हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिर्फ टू का जेई का, तो ये इंटीग्रेशन है। तो देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन आ गया, इतना आसान क्वेश्चन पहले कभी नहीं आते थे, अब बहुत आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसमें सीधा सीधा आप देख रहे हो कि टेन इनवर्स की वैल्यू दे रखी है और सीधा सीधा इसको टी मान लीजिए, टेन इनवर्स को, तो क्या हो जाएगा? सुबह से आप टी मानोगे तो क्या आ जाएगा? टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब इक्वल्स टू, हमने टी ले लिया, टी को उधर ले जाइए, तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब इक्वल्स टू टेन टी, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसको, तो क्या आ जाएगा? थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ, ये एक्स क्यूब माइनस थ्री हो जाएगा, तो माइनस थ्री, नीचे एक्स की पावर फोर, और टेन टी का क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर टी डी टी, ठीक है। तो यहाँ से थ्री कॉमन ले लेंगे और ये dx हो जाएगा आपका पूरा, dx इक्वल्स टू sec स्क्वायर t dt, बस ये वैल्यू की जगह हम क्या रख देंगे पूरा dt by 3 कॉमन लेके, तो यहाँ पर जैसे हम रखेंगे क्या हो जाएगा dt by 3, तो 1 by 3 हमने बाहर ले लिया, और ये हमारा क्या हो जाएगा tan इनवर्स t है, तो ये t हो जाएगा और dt की जगह क्या रख देंगे, और पूरी वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी sec स्क्वायर टी, और ये भी देखिए क्या लग रहा है 1 प्लस 10, ये 10 टी है, इसकी वैल्यू क्या हो गई 10 टी, तो ये 1 प्लस 10 स्क्वायर टी, 10 स्क्वायर का टी हो जाएगा, तो ये भी sec स्क्वायर टी में कन्वर्ट हो जाएगा sec स्क्वायर टी, तो ये sec स्क्वायर टी से ये sec स्क्वायर टी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 बाई 3 डी टी बाई टी, ये आपका बन जाएगा 1 बाई 3 लॉग टी प्लस सी ln t प्लस c, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 बाई 3 ln, क्या माना है हमने, ये x क्यूब प्लस 1 बाई x क्यूब tan इनवर्स में है, तो t की जगह हम क्या रख देंगे ln tan इनवर्स, t की जगह हम क्या रख देंगे ln tan इनवर्स ln tan इनवर्स x क्यूब प्लस 1 बाई x क्यूब प्लस c, तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा इंटीग्रेशन में, तो बड़ा ही आसान से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है dy by dx equals to this 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 this, find the solution of this differential equation, तो इसका differential equation का हमको solution निकालना है, तो आप देख रहे हो कि ये homogeneous टाइप इसको बनाना पड़ेगा, इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको x और y, वैसे थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है ये क्वेश्चन, लेकिन इसको चलिए करते हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो आने थे, तो इसमें हम क्या कर लेते हैं कि कैपिटल x, x की वैल्यू हम लोग कर लेते हैं, x लेट कर लेते हैं, x इक्वल्स टू x प्लस h, और y की वैल्यू मान लेते हैं क्या कैपिटल y प्लस k, इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, तो हमारा dy by dx, तो इसको जब डिफ्रेंशिएट, तो यहां से जब वैल्यू निकालेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा dy by dx इक्वल्स टू x प्लस h प्लस y प्लस k माइनस टू, और x कैपिटल x प्लस h प्लस माइनस y माइनस k, ठीक है। तो यहां से जब इक्वेशन बना देंगे तो क्या बन जाएगी dy by dx करके, तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx की जगह आ जाएगा कैपिटल dx, और dy की जगह क्या आ जाएगा कैपिटल dy, इसको कन्वर्ट कर देंगे तो d कैपिटल x d कैपिटल y अपॉन कैपिटल x इक्वल्स टू क्या बन जाएगा ये x प्लस y अपॉन x माइनस y, और यहां से जो इक्वेशन आएगी x प्लस k माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, और एक हो जाएगी एच इक्वल्स टू के, एच इक्वल्स टू के की वैल्यू क्या हो जाएगी वन हो जाएगी, एच और के की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी वन आ जाएगी, और इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए इसको बनाते हैं, तो हम इसको मान लेते हैं वाई इक्वल्स टू क्या मान लें, वाई इक्वल्स टू वी एक्स मान लें, वाई इक्वल्स टू वी एक्स मान लें, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, तो जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर dx अपॉन dy की जगह हम क्या रख देंगे ये रख देंगे, तो हमारा हो जाएगा x dv by dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा
ये हमारा क्या आ जाएगा x dv by dx, ये हो जाएगा हमारा 1 plus v, 1 minus v, minus v, और इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहां से हमारा क्या बचेगा 1 plus v minus v plus v square upon 1 minus v, ये माइनस का v square बचेगा, प्लस का v square हो जाएगा, v का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस v प्लस v square, तो ये v से ये v कैंसिल हो जाएगा और यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 plus v square upon 1 minus v आ जाएगा, तो 1 plus v square upon 1 minus v हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इसको करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आया dy by dx and dx upon x equals to dv upon क्या आ गया हमारे पास dv upon, तो x हो गया dx upon dx और dv upon आ गया हमारे पास 1 minus v upon 1 plus v square, dv upon क्या आ गया 1 minus v upon 1 plus v square, तो वही हम कर देते हैं dv आ जाएगा हमारे पास 1 plus v square 1 minus v, ये dv हमारे पास आ गया, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो dx upon x equals to 1 minus v upon 1 plus v square dv हो जाएगा, अलग ये तो ये ln x ले लेंगे इसको, और ये क्या हो जाएगा 1 upon 1 plus v square dv, और ये हो जाएगा minus v upon 1 plus v square dv, तो 1 plus v square को ले लेंगे 2, तो ये हमारा हो जाएगा tan inverse v, और यहां से क्या आ जाएगा हमारा, यहां से आ जाएगा 2 1 by 2, तो यहां पर 1 plus v square को अगर हम t मान लेंगे तो 2v dv equals to क्या हो जाएगा dt, 2v dv equals to dt, तो dt by 2, तो ये हो जाएगा 1 by 2 dt by t, तो tan inverse v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 by 2 ln t, ठीक है। अब वैल्यू में रख देते हैं हम, और ये ln x है, तो जब हम वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा ln x की जगह हो जाएगा x plus h, ln x x small x हो जाएगा, तो x ln x plus k, k की वैल्यू 1 है, और यहां पर क्या हो जाएगा tan inverse v है, तो tan inverse v, तो v की जगह हम रखेंगे y by x minus 1 by 2 ln t की वैल्यू हमने क्या मानी है 1 plus v square, तो 1 plus y square upon x square हो जाएगा, और plus c और करते रहते हैं हम लोग, ठीक है, plus c और कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा ln x equals to क्या हो जाएगा y की जगह हम वैल्यू रख देंगे y plus k, तो y बचेगा क्योंकि वैल्यू 1 ही है, तो y upon x ही आ जाएगा, और यहां पर भी y plus k का स्क्वायर हो जाएगा, और यहां से हो जाएगा minus half ln 1 plus y प्लस के, यानी y प्लस 1 का, यहां पर भी क्या होगा y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी y प्लस के, x की वैल्यू x प्लस 1 हो जाएगी यहां पे, तो ये x प्लस 1 आ जाएगी, ठीक है, और कैपिटल x की वैल्यू क्या हो जाएगी x x प्लस x माइनस 1 हो जाएगी, सॉरी x माइनस 1 हो जाएगी यहां से, और यहां पर भी हमारी आ जाएगी ln y minus y plus x है, तो half ln 1 plus y की जगह क्या रख देंगे y की जगह हमारा हो जाएगा y minus k, capital का y minus k, तो ये हो जाएगा y minus 1,
तो यहां से वैल्यू हमारी आ जाएगी y माइनस वन, तो tan इनवर्स की वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी, y माइनस वन हो जाएगी। tan इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी हमारी y माइनस वन और ये हो जाएगी x माइनस वन, और यहां ln की वैल्यू हो जाएगी वन प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस c। तो इसके बाद आप आगे ऑप्शन देख सकते हो, चेक कर सकते हो, इसी तरीके से सोल्यूशन होगा इसका, ठीक है। इस तरीके से जो भी ऑप्शन होगा वही हम चेक करके सही लगा देंगे।